हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अपने इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ग्लोबल और लोकल स्कोप में क्या डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। किसी भी प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ तक हम किसी आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसे हम स्कोप के नाम से जानते हैं। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ स्कोप्स इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल एंड सेकेंड वन इज़ लोकल स्कोप। जब हम लोकल और ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं तो हमें एक और टर्म मिलता है जिसे हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जब तक वेरिएबल या आइडेंटिफायर मेमोरी में रहते हैं उस टाइम को ही हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। जब तक पूरा प्रोग्राम रन होता है तो ये ग्लोबल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम है, और जब कोई फंक्शन रन होता है तो ये लोकल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम का एग्जांपल है। टू अंडरस्टैंड स्कोप, सबसे पहले हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सपोज़ आप अपने दो दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गए हैं। वहाँ जाने के बाद आपके एक फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो मोन्यूमेंट्स वन देखने के लिए एक टिकट लेगा और सिर्फ उसी मोन्यूमेंट्स के लिए वो टिकट वैलिड होगा, और दूसरे दोस्त ने ये डिसाइड किया कि वो मोन्यूमेंट्स टू देखेगा और इसके लिए उसने एक टिकट ली। आपने ये डिसाइड किया कि आप अरविंद अंकल की टूरिज्म को सपोर्ट करने की जो सिटी बेस्ड टिकट की स्कीम है वो टिकट लेंगे, जिससे आप पूरी दिल्ली के हर मॉन्यूमेंट्स में विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके फ्रेंड्स हुए लोकल और आप हुए ग्लोबल स्कोप में। अब हम वापस पाइथन में आते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्कोप वो स्कोप है जब हमने आइडेंटिफायर या वेरिएबल को प्रोग्राम के टॉप लेवल सेगमेंट में डिक्लेयर किया है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ये ठीक आपकी सिटी बेस्ड टिकट की तरह ही है। ठीक इसी तरह लोकल स्कोप वो स्कोप होता है जब हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल को किसी भी फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और आपके दोनों फ्रेंड्स के टिकट इसका एग्जांपल है, जो कि इंडिविजुअली मोन्यूमेंट्स वन और मोन्यूमेंट्स टू के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। आपको हमारा ये रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने दो नंबर को एक फंक्शन का यूज़ करके ऐड किया है। आप फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमारे फंक्शन के लिए बने वीडियोस को भी देख सकते हैं, और उन वीडियोस की लिंक मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमने एक कैलकुलेट सम नाम से फंक्शन डिफाइन किया है, और फिर उसके बाद के स्टेटमेंट में दो नंबर को इनपुट लेने के बाद फंक्शन को कॉल किया है, और फाइनली लास्ट स्टेटमेंट में हमने रिजल्ट को डिस्प्ले किया है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ए, बी और सम ग्लोबल स्कोप में है, और फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल एक्स, वाई और जेड लोकल स्कोप में है। तो ये थी हमारी एक कोशिश कि आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस समझा सकें। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और एक बात, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिसके थ्रू हम अपने वीडियोस और अपने चैनल को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं तो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखना है तो भी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करने के साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।